हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। व्हीलचेयर में आए मनमोहन सिंह को विदाई देते हुए पीएम मोदी भावुक हुए, तारीफ करते हुए क्या बोले, तो चलो देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पर मोदी जी की और बीजेपी के जो लीडर्स मोस्टली जो मैंने देखे हैं, जैसे वाजपेयी जी भी थे, इनकी खासियत ये है कि वो ये नहीं देखते कि ऑपोजिशन का लीडर है, हमारे अगेंस्ट है, हमारी पार्टी का नहीं है। वो ये देखते हैं कि वो बंदे ने काम क्या किया देश के लिए, उसका करेक्टर कैसा है, उसने क्या उस पूरे टाइम में वो क्या क्या उसने अच्छा किया, और अगर उसने अच्छा काम किया देश के लिए किया है तो वो उसकी प्रेज भी करते हैं, बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। कांग्रेस उल्टी ऐसी है कि अच्छे काम पे भी कि तुम ऑपोजिशन में, उसको गंदा, उसके ऊपर लांछन और दाग धब्बे कीचड़ फेंकने की कोशिश करती है। पर मोदी जी का और मैंने बीजेपी का यह असूल देखा है कि देश के हित के लिए अगर कोई काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, दूसरी विपक्ष पार्टी का भी हो, तो भी वो उनका उनकी प्रेस करते हैं और उनको उनका साथ देते हैं। ये डिफरेंस है। तो चलो शुरू करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया, कितने ओल्ड हुए हैं। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे। मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर। मैं विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकसी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर। और मैं सभी सांसदों से, चाहे इस सदन में हो या उस सदन में हो, जो आज है वो शायद भविष्य में आने वाले हो, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये जो माननीय सांसद होते हैं किसी भी दल के क्यों न हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को कंडक्ट किया होता है, जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए होते हैं, उसका हमने एक गाइडिंग लाइट के रूप में सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था, विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली, अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण।
वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमिटी के चुनाव हुए, कमिटी मेंबर्स के, वो व्हीलचेयर में वोट देने आए। सवाल यह नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। और इसलिए आज विशेष रूप से मैं उनके दीर्घायु के लिए हम सब की तरफ से प्रार्थना करता हूं, वे निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते रहे, हमें प्रेरणा देते रहे। इसका मतलब मोदी जी नोट करते हैं कि लो बाकी ऑपोजिशन के लोग जो है कैसे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, और उसको नोट करके याद रखते हैं। उनको याद है कि भाई व्हील चेयर में होने के बावजूद मनमोहन सिंह खास वोट करने, यानी तो कोई और कहेगा कि अब मतलब इतनी एज हो गई है, एक मैं व्हील चेयर में हूँ, मेरी एक वोट से क्या होता है, नहीं जाता हूँ। और वो भी ये भी कह रहे हैं कि पता था कि मेजोरिटी से जीतेंगे दूसरे, तो भी वो आए हैं कि भैया फिर भी वोट करने। वो मोदी जी ने ये भी बोला है, हो सकता है कि वो इसलिए आए हों कि ऑपोजिशन जो है उसको स्ट्रांग करने के लिए कि मैं एक वोट अपना दे दूं या कुछ उस टाइप से, पर कहते मैं वो नहीं देखूंगा, मैं ये देखूंगा वो किसको ताकत देने आए थे, डेमोक्रेसी को, वो जो आपको हर एक इंसान को जो वो हक मिला हुआ है वोटिंग की, जो पावर मिली हुई है वोट की, वो करने आए थे। एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि देखो अगर मैं व्हील चेयर में भी बैठा हूं तो इतना एज हो गया फिर भी मैं आके वोट कर सकता हूं, तो एक आम जो युवा है उसको अपनी वोट की ताकत पहचाननी चाहिए और आकर वोट करना चाहिए। तो वो उसी के ऊपर कर रहे थे, वो बता रहे हैं। और खासकर बहुत अच्छा बोला कि जबकि वो ऑपोजिशन में हैं और फिर भी मोदी जी ये नहीं देख रहे, उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। देखिए आप उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए, वो हाईली एजुकेटेड थे, वेस्ट से पढ़ के भी आए थे और उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी कि इकॉनमी को ओपन किया जाए, वेस्टर्न कंपनीज आ सकें, सेटअप कर सकें और आगे बढ़ सकें, क्योंकि उनको नज़र आ गया था कि चाइना ने वो चाल चली थी, उससे चाइना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था इकोनॉमिकली। इसलिए मनमोहन जी ने डेफिनेटली कोशिश की थी कि रेड टेप को रिड्यूस किया जाए, कोशिश की जाए कि बाहर से कंपनीज आई भी थी, मगर इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से कई कंपनीज को फिर वापस जाना पड़ा, कोकोला वगैरह। तो काफ़ी कुछ उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश, काफ़ी ओपन का रास्ते बनाए थे जो बाद के लोगों को उन रास्तों से आगे बढ़कर इकॉनमी को ओपन कर पाए। पर कांग्रेस का वही राज है ना, अपनी फैमिली का राज, वो दबा देते उनको, वही तो चक्कर है, वो जो भी चाहते थे करना ऑफकोर्स नहीं कर पाए होंगे, मगर अपनी कोशिश तरफ से उन्होंने पूरी जितनी ओपन कर पाए वो उन्होंने ओपन की थी, वही ग्रेट था कि ऐसे अगर वेल एजुकेटेड लोग अगर रहेंगे पॉलिटिक्स में तो फायदा होगा देश का, क्योंकि वो फिर बेस्ट अपनी जो नॉलेज है अप्लाई कर सकते हैं टू प्रॉब्लम्स। उन्होंने, कांग्रेस ने उनको दबा के रखा हुआ था, नहीं करने दिया जो वो चाहते थे, वो अपना फायदा देख रहे थे, बीच में पॉलिटिक्स आ गई, इनसाइड की वो जा करना चाहते थे बिल्कुल। पर मोदी जी ने उनको पूरी रिस्पेक्ट दी है, उनके कामों के बारे में बहुत बोला, बहुत अच्छा बोला है। हर एक लीडर जो है उसको इसी तरह से अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए राहुल गांधी को भी और कांग्रेस के लीडरों को भी कि कैसे अपने आप को कंडक्ट करें। तो चलो यार अभिषेक अगर अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।